हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार। दोस्तों, एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक गिना जाएगा, भले ही वह सभी पदों के लिए पात्र हो। इस तरह 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार को मिलेगा लिखित परीक्षा में मौका। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए जो लिखित परीक्षा होगी या लिखित परीक्षा लेगा, उसमें 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार को बुलाएगा। दोस्तों, इसके लिए आयोग ने फैसला कर लिया है कि एक ग्रुप में अगर एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए पात्र है तो उसे उन सभी ग्रुपों के लिए पात्र माना जाएगा। इस तरह 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में मौका मिल सकेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री और सदस्य कंवलजीत सैनी ने सोमवार को बताया कि मसलन एक ग्रुप में 59 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी का मतलब पदनाम है। इन पदों को संख्या आगे जनरल एससी बीसी ए बीसी बी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन की सब कैटेगरी होती हैं। अगर मान लो कि एक ग्रुप में 59 कैटेगरी के 6600 पद हैं और एक उम्मीदवार उन 59 कैटेगरी में से 50 कैटेगरी में पात्र है, तो उसे 50 कैटेगरी में अलग अलग नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे एक उम्मीदवार माना जाएगा और शेष 49 कैटेगरी के दूसरे उम्मीदवार को मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप में कैटेगरी के पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवार को इस तरह से मौका मिल सकेगा। अगर इन्हें 6600 पदों की 4 गुना 25400 को ही मौका मिलेगा, 6600 पदों के अनुसार 25400 को ही मौका मिलेगा 4 गुना करने पर, मगर आयोग के फैसले के अनुसार यह संख्या 6 गुना तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अगर सीईटी परीक्षा के अंकों पर परीक्षा लेते तो एक ही कैटेगरी में 2.25 लाख उम्मीदवार जद में आते। आरक्षित कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में मिल सकता है लाभ। दोस्तों, आरक्षित कैटेगरी वालों को जनरल कैटेगरी में मौका मिल सकता है। पूर्ण स्कोर से ऊपर सभी उम्मीदवार को लिखित में बुलाएंगे। दोस्तों, पूर्ण स्कोर से ऊपर के सभी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बुलाएंगे, अध्यक्ष ने कहा। भोपाल सिंह खत्री अध्यक्ष ने कहा है कि आयोग ने फैसला किया है कि ग्रुप के अनुसार और कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए पूर्ण स्कोर से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, इसे भले ही संख्या 6 गुनी ही क्यों न हो जाए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि मान लो कट ऑफ 71,000 हो जाए तो पूर्ण स्कोर 71.00 से ऊपर सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाएगा। इस स्कोर में 71.00 स्कोर वाले सभी उम्मीदवार शामिल किए जाएंगे। अध्यक्ष ने कहा कि फैसला इसलिए किया गया कि ताकि भविष्य में कोई उम्मीदवार यह न कह सके कि इससे ऊपर के उम्मीदवार के आर्थिक सामाजिक मानदंड के अंक थे और बाद में अगर ये अंक गलत मिले तो उसे मौका मिल सकता था। ग्रुप अनुसार शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार की सूची परीक्षा से पहले सार्वजनिक की जाएगी। ग्रुप अनुसार शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से पहले सार्वजनिक होगी। अगले सप्ताह से ग्रुप अनुसार शॉर्टलिस्ट आएगी। अगस्त के शुरू में परीक्षा संभव हो पाएंगी। पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को ओवरेज में नहीं मिलेगी छूट।